जो भी होगा सामने होगा। दोस्तों इतनी जगह में आते हैं ना, उसकी मेन वजह है देखो इधर दे रहा है क्या फोकस करना, मैं फोकस करना कुछ है शायद है ना। दोस्तों ये देखो दोस्तों, तो सामने देखो चक्कर लगे हुए हैं और यहाँ से गांव स्टार्ट हो जाता है। ये देखो दोनों तरफ इधर करो सूरज जी एक बार तुम, ये गेट है शमशान का और वो सामने देखो उधर भी शमशान है, शमशान से यहाँ एक ही सामने है। देखो दोस्तों वो जो चीज़ थी वो आपके सामने थी कैसी थी, फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ वही हो जिसने उस बंदे की मौत करी थी या उसको मारा था, या आपने मांगी थी लिस्ट। आओ आप मेरे साथ आओ, अच्छा निकलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द आरजे व्लॉग्स पे, और हाजिर है आपका भाई राधे फिर से एक लोकेशन पे। ठीक है, आज की जो लोकेशन है मेरे पीछे देख रहे होंगे ये है एक हॉन्टेड रोड। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं पहले लगभग 12 महीने पहले विजिट कर चुका हूँ, और यहाँ की जो स्टोरी है वो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आगे चल के एक शमशान घाट पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पे एक शमशान घाट नहीं है, बहुत सारे शमशान घाट है, और यहाँ की जो ये जगह है ये हॉन्टेड क्यों हुई उसकी स्टोरी मैं बताना चाहूँगा आपको। कि एक्चुअल में ये रास्ता जाता है गाँव की तरफ, और गाँव से कुछ दूरी पहले वो आते हैं शमशान, और वहाँ पे एक स्प्रिट दिखाई देती है। और हाल ही में एक ऐसा हादसा हुआ है, इसी रोड से गांव का कोई बंदा घर की तरफ जा रहा था, बट उसके पास कुछ अपने बच्चों के लिए अपनी बीवी के लिए खाने पीने की चीज़ें थी, और वो चीज़ें थी मिठाई। वो मिठाई लेके इस रोड से निकल रहा था रात को 11 बजे, और उसको एक औरत ने रोकने की कोशिश करी, उसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करी, और जब उसने गाड़ी रोकी उसको बिठाया और वो आगे गया, तो थोड़ी देर बाद ठीक है उस बंदे की गाड़ी भी वहीं गिरी हुई मिली और वहाँ पे उसकी लाश पड़ी थी। अब कहा यह जाता है कि जिस औरत ने उससे लिफ्ट मांगी उसी ने उस बंदे की जान ली है। इसीलिए दोस्तों मैं भी एक ऐसा चैलेंज करने वाला हूँ, वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। भैया इधर देना, और माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों आज शायद कैमरामैन की आपको आवाज़ सुनाई ना दे, क्योंकि भैया के कुछ ऐसी प्रॉब्लम है वो मुंह से बोल नहीं पाते, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। मेरे हाथ में ये मिठाई देख रहे होंगे आप, ठीक है खोल के मैं आपको दिखा दूं, और टाइम की बात करें तो 11:40 हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, लगभग मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तब तक 12 बज जाएंगे। ये मेरे हाथ में, भैया थोड़ा फोकस करके दिखा देना, ये मिठाई है, ये आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है कि यार ये खा के मैं ये वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, और इसी को मैं अपने साथ हाथ में लेके निकलूंगा इस रोड पे, और देखते हैं कि शायद मिठाई को देख के कहते हैं कि कोई भी स्प्रिट वगैरह है, क्योंकि आवाज आना अभी से शुरू हो चुकी है दोस्तों। शायद मेरे को भी थोड़ा सा दिल से ऐसे लग रहा है कि जब नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास हो ना, वो सबसे पहले कुत्ते को दिखाई देता है। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो सबसे पहले भांप लेता है कि यहाँ पे कोई स्प्रिट वगैरह है। तो ज़्यादा बात नहीं करते और जो करने आए वो करते हैं, क्योंकि गांव लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है। इस चीज़ को मैं रखने वाला हूँ अपने साथ, और मिठाई को देख के अच्छी और बुरी जो भी आत्माएँ होती है वो अपने सामने ज़रूर आती है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को दबा के शेयर कर दो। और जो भाई फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके पेज को फॉलो कर लेना, और वीडियो को अपने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट में शेयर कर देना। चलते हैं, थोड़ा सा जैसा कि मैंने बताया आपको कि शायद आज कैमरामैन की आवाज़ ना आए, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना दोस्तों, पीछे करना है एक बार इस तरफ से, इधर आना भैया, कंटिन्यू वहाँ पर कुत्ते है ना दोस्तों, पूरा वीरान पड़ा है,
ये जगह ठीक है। और रही बात, इस तरफ एक दीवार है और यहीं से डर स्टार्ट हो जाता है वैसे तो, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ आया ना दोस्तों, एक लेडीज दिखाई देती थी, बट जो हादसा हुआ है ना उसको गांव वाले बता रहे कि वो कोई दूसरी स्प्रिट है, जो भी होगा सामने होगा। दोस्तों कुछ तो है यार यहाँ कसम से, ये कुत्ते कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहे हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है ये लाइट देख के ये भी कंफ्यूज हो रहे हो। बहुत सी बार ऐसा भी होता है दोस्तों के अच्छे के लिए भी आते हैं, अपनी मदद भी कर पाते हैं। तो चलो बिना टाइम खराब करें बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। तो यार दोस्तों निकल चुके हैं उस रोड के लिए और देखते हैं, जो चीज़ मैंने आपको बताई वो अभी भी आपके भाई के हाथ में ही है दोस्तों। ये मत सोचना कि शायद फेंक दी या रख दी, क्योंकि जो भी चीज़ है इसी को देख के अट्रैक्ट होगी और हमारे सामने आएगी। भैया थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करना कि जो चीज़ है वो दिखनी ही चाहिए, इतनी दूर आए हैं ना तो बस देखने के लिए। और दोस्तों स्पेशली गांव से मैंने किसी की बाइक ली थी कि यार बाइक पे शायद वो चीज़ जल्दी नज़र आए, ठीक है। सामने आपको गांव की लाइटें दिख रही होगी, लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर वो गांव है, टॉर्च भी है वैसे दोस्तों, अगर कोई चीज़ ऐसी हुई तो हम देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और आपको भी दोस्तों बाय द वे अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड होए कैमरे में तो आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग कमेंट करके बताना जरूर यार किस टाइम पे कोई चीज़ दिखी। बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों अक्सर कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती। दोस्तों थोड़ी दूर आगे चलने के बाद मेन वो जगह भी आने वाली है जहाँ पे उस बंदे के साथ हादसा हुआ था और उसकी मौत हुई थी, और शायद मेरे हिसाब से यहीं कहीं से उसने लिफ्ट मांगी थी और बोला था कि मुझे शमशान घाट जाना है, जो स्प्रिट थी। अब वो बंदा समझा नहीं कि उस औरत को शमशान घाट क्यों जाना था, शायद इसी वजह से उसके साथ ये सब हुआ है। बाकी यार दोस्तों आपसे भी एक रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों से, अगर रात को अकेले आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो ना, कोई भी बंदा चाहे आदमी हो या औरत, अगर रात को आपसे लिफ्ट मांगे ना जिसको आप जानते नहीं हो या जिस रास्ते पे आपको लगे कि यार ये ठीक नहीं है, वहाँ पे किसी को कभी लिफ्ट मत देना, क्योंकि तो अक्सर क्या होता है हाँ कि अपन मदद के लिए आगे आते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है, मदद अपने को ही महंगी पड़ जाती है किसी की मदद करना। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं है यार दोस्तों यहाँ तक हमें, थोड़ी सी दुआ करना भगवान से कि आपका भाई इतनी दूर आया तो कुछ तो यहाँ हमें दिखाई दे, तभी हमारा इतनी दूर आना वसूल होगा पूरा। देखो दोस्तों जिस तरफ देखें ना पंखे और कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ झाड़ियाँ है। शायद वन विभाग का कुछ बना हुआ है इस तरफ, बोर्ड वोड लगा हुआ है। बाकी यार एक चीज़ है दोस्तों, इतनी जगह हम आते हैं ना उसकी मेन वजह है कि सिर्फ आप लोगों का प्यार, ठीक है। शायद आगे से कोई बाइक आ रही है ना, देखते हैं दोस्तों किसकी बाइक है क्या है। यार अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं यार, और भाई भी शायद कुछ बोलना चाह रहे होंगे, बट यार दोस्तों देखो भगवान ने इनके साथ करा ही ऐसा कुछ है कि यार ये बोल नहीं सकते, ठीक है। और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपका, क्योंकि ये भी मेरे एक मित्र ही है और इन्होंने कहा था मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम से यार भैया एक बार मुझे ऐसी सुनसान जगह पर आप लेके चलो। दोस्तों सामने की तरफ जो लाइटें दिख रही है वो है गांव, ठीक है, और शमशान जस्ट उस गांव से थोड़ी सी दूरी पहले है।
नीचे चीज है, रास्ते में कुछ है, कुछ गिरा हुआ है किसी के कपड़े वपड़े है ना सामने। इस तरफ से कोई आवाज़ आई थी है ना। चलो आगे बढ़ते भाई, गांव से कोई बाइक आ रही है देखो सामने है ना, काफ़ी दूर है भाई, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा दोस्तों आपके सामने होगा यार, ठीक है। अब करना क्या है, जब तक कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते। बीच में दोस्तों एक चीज थी जिसकी आवाज सुनाई दी थी केवल, इतनी दूर आ गया कसम से अभी तक दोस्तों कोई चीज सामने नजर नहीं आई यार। मेरा दिल कह रहा है कि वो शमशान के करीब ही हमें दिखेगी, और जैसे उस भाई से लिफ्ट मांगी ना, हमसे भी डेफिनेटली वो लिफ्ट मांगेगी। देखना है तो सिर्फ इतना कि यार वो जल्दी से हमारे सामने आए। दोस्तों मिठाई होने के बाद भी यार वो चीज़ सामने नहीं आ रही। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बहुत सी बार अपनी वीडियो में बोला कि कई बार ऐसा भी होता है कि यार ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आती। बहुत सी लोकेशन ऐसी होती है जिनकी वीडियो हम अपलोड ही नहीं कर पाते क्योंकि उनमें हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। जो भी होगा दोस्तों ठीक है, इतनी दूर आए, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। इधर से आवाज आई थी यार, है ना, आवाज आई थी ना। चलो डरना नहीं है, ठीक है भैया। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे साथ है सुरेश जी, ठीक है। और अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर दोस्तों इस रोड कोई था जैसे यार, दोस्तों अगर इस रोड पे मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा ना, मैं लेके चलूँगा आपको उस शमशान घाट पे, जहाँ पे एक नहीं बहुत सारे शमशान है और उनको अपन कह सकते हैं कि महा शमशान घाट, ठीक है। रोड काफ़ी है कसम से कह रहा हूँ दोस्तों, रात को अकेले बंदे की तो हिम्मत ना हो यार यहाँ से आने की, क्योंकि ये जो रोड है ना, मेरा दिल जहाँ तक कह रहा है ना, कोई मामूली रोड नहीं है। हाँ क्या चीज़ है यार, कोई लेकिन भाई आगे चलने दो, आगे चलने दो, कोई तो है वहाँ रोड के बीचों बीच। देखो दिखाई दे रहा है क्या, फोकस करना भाई, फोकस करना, कुछ है शायद, है ना। एक मिनट, कुछ खड़ा है, कोई खड़ा है कसम से, देखना कैमरे में, देखना भाई टॉर्च करता हूँ मैं, लाइट बढ़ाना, लाइट देखना अपनी, लाइट चेंज करना थोड़ी सी, लाइट चेंज करो भाई, कुछ तो है। अब देखो टॉर्च पे देखो, है ना, आगे किसी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करी है, सामने कोई चीज है भाई, वो जा रही है शायद इस तरफ। आ गया हो भाई, आ गया हो सुरेश जी, आ गया हो थोड़ा सा, कौन है वहाँ, देखो मेरी बात सुनो, क्या वही हो जिसने उस बंदे की मौत करी थी या उसको मारा था, क्या आपने मांगी थी लिफ्ट। भाई 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 वो कोई इशारा नहीं भाई, रुको मत, नहीं है वो, नहीं है। आओ आप मेरे साथ आओ, अच्छा निकलते हैं जल्दी, आओ फटाफट बैठो, रो मत निकलते हैं अपन गांव की तरफ, गांव है सामने, घबराओ मत, हिम्मत रखो मैं आपके साथ हूँ। ओके यार सुरेश जी बहुत भयानक तरीके से डर गए थे उस चीज़ को देख के, मैं खुद वो उस जगह को छोड़ के आ चुके हैं। घबराओ मत, वो चुराहे पीछे रह गया, आप बिल्कुल डरो मत,
मत रखो। दोस्तों यार आपको लग रहा होगा कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ है, नहीं। जब आप भी कभी रात को इतनी सुनसान जगह पे जाओ और सामने कोई बिल्कुल सीने पे ऐसे कोई चीज़ आ जाए ना, तो अच्छे बल्लों के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों वो शमशान आने ही वाले हैं, और जहाँ वो एग्जैक्ट हमें दिखी थी ना अभी, उसी जगह उस दिन उसने उस बंदे से लिफ्ट मांगी थी। दोस्तों गाँव भी आने वाला है, जस्ट पहुँचने वाला है, लगभग 100-150 मीटर ही है यहाँ से। क्योंकि मैं पहले 2 बार इस जगह पे आके गया हुआ हूँ, लेकिन आज तो दोस्तों मैं भी डर गया कसम से। उसने हमें भी इशारा दिया था यार गाड़ी रोकने का, लिफ्ट मांगने की कोशिश करी थी। दोस्तों वो सामने आपको लाइटें दिख रही होगी गांव की, और जस्ट यहाँ पे आगे चलते हुए शमशान आएंगे जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है? अब कहीं नहीं रुकने वाले, निकलने वाले हैं बस यहाँ से। थोड़ी देर और बस हिम्मत रखो आप। दोस्तों ये देखो, ये सामने शमशान घाट स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा था यार, एक नहीं बहुत सारे शमशान घाट है। आज ये लाइट भी बंद है यहाँ की। देखो ये सब शमशान है, इधर देखो अंदर की तरफ शमशान है। ये क्या चीज़ है भाई? कुत्ते बैठे हैं शायद, कुत्ते हैं, कुत्ते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, वो सामने देखो चद्दर लगे हुए हैं, और यहाँ से गाँव स्टार्ट हो जाता है। ये देखो ये दोनों तरफ, इधर करो सुरेश जी एक बार के अंदर, ऐसे दिखा देते। ये देखो ये गेट है शमशान का, और वो सामने देखो उधर भी शमशान है। कम से कम 5-6 यहाँ, एक ही सामने है। देखो दोस्तों वो जो चीज़ थी वो आपके सामने थी, कैसी थी? फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं, आज के लिए बस इतना। एक मिनट सुरेश जी आप बैठे रहना। जो भी था आपके सामने था, एक चीज़ रिकॉर्ड हुई थी जो आपने भी कैमरे में देखी होगी। दोस्तों की आवाज़ है, ज़्यादा टाइम यहाँ ख़राब नहीं करेंगे। सुरेश जी बहुत भयंकर तरीके से डर चुके हैं, और मैं नहीं चाहता यार कि इनको कभी अकेले जाते हुए डर लगे, इसलिए मैं दोबारा वापस विजिट नहीं करूँगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। घबराओ मत सुरेश जी। दोस्तों वीडियो आज थोड़ी